Hey guys, good morning. Welcome back to a new vlog. Today is Saturday and the date is 25th of July and I'm starting this vlog in the morning. Yeah, sirf 11 hi baje hai. तो गुड मॉर्निंग फ्लरी शे, गुड मॉर्निंग फ्लरी. बड़ी चिंता में है क्योंकि मैं हो गई हूँ रेडी और उसको समझ में आ गया है. और कियारा तो बिल्कुल ही, क्योंकि कपड़े सूं के समझ में आ जाता है दोनों को. आजकल दोनों को समझ में आ गया है हम जा रहे हैं बाहर. बट हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको जाते जाते बताऊंगी. फिलहाल निकलते हैं. आज के व्लॉग में मैं काफ़ी सारी एक्साइटिंग चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. सो मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड, कहीं मत जाना बीच में. तो चलो फिलहाल छोटे घूम के आते हैं. बच्चों को गुड मॉर्निंग बोल दो आप लोग और फिर वापस आके बच्चों से मिलेंगे. इसको भी गुड मॉर्निंग बोल दो. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन. अभी भी थोड़ा देर बाद में निकलेंगे. तुम अभी से मास्क पहन के क्यों घूम रहे हो? मास्क नीचे. अब फाइनली बता देती हूँ कहाँ जा रही हूँ. मैं जा रही हूँ सलोन. कितने महीनों के बाद, फेब में लास्ट गई थी और आज है 25th ऑफ जुलाई. बेसिकली मुझे वहाँ से लेना है शैम्पू और कंडीशनर. बालों में कलर करवाती हूँ तो मैं एक लॉरियल प्रोफेशनल का ही दो प्रोडक्ट यूज़ करती थी और उससे मेरे बाल काफ़ी ठीक ठाक थे. बट बीच में लॉकडाउन की वजह से वो पार्लर जाके पिकअप नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैं दूसरे प्रोडक्ट यूज़ किया और मेरे बहुत सारे बाल झड़ गए और मेरे हेयर बहुत अनमैनेजेबल हो गया है. तो अभी जब सब खुल गया है तो मुझे लगा कि जाते हैं और वो प्रोडक्ट्स ले लेते हैं. और वो प्रोडक्ट्स बाहर और ई कॉमर्स साइट में भी मिलता है बट उसके ऑथेंटिसिटी को लेके मुझे थोड़ा सा डाउट है. बहुत सारे रिव्यूज़ भी मैंने देखा है जहाँ पे लोग लिखते हैं कि बिल्कुल ही अलग ही इफ़ेक्ट होता है जब आप ई कॉमर्स से लेते हो तो वो शायद डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स है. मुझे नहीं पता, मैं ट्राई नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं आई मेक श्योर कि मैं वो सलोन से ही पिकअप करूँ ताकि मुझे ऑथेंटिक प्रोडक्ट मिले. और अब जब मैं जा ही रही हूँ तो मैं थोड़ा आईब्रो और अपर लिप करवाऊंगी क्योंकि बहुत बुरा दिख रहा है. लुक एट माय आईब्रोज. और अपर लिप भी अभी करवाना पड़ेगा, नहीं तो कुछ दिनों में मैं ना मिस्टर श्रीपा देखने लगूंगी. तो अभी करवा लेना पड़ेगा. और मैंने उस पहले तो थोड़ा डर तो ऑब्वियसली लग रहा था. मैं ऐसे भी बहुत ज़्यादा डरपोक हूँ इस मामले में. तो मैंने उनसे पूछा तो दे सेड दैट दे आर गिविंग ऑल पीपी किट एंड ऑल, सो देयर इज एब्सोल्युटली जीरो कॉन्टैक्ट. जो काम करेंगे प्रोफेशनल वो भी पीपीई किट, मास्क, ग्लव्स पहन के ही काम करेंगे और कस्टमर को भी वो एकदम फ्रेश पीपीई किट और सब कुछ देंगे. उसके लिए 150 रुपीज़ एक्स्ट्रा भी चार्ज करेंगे, विच इज़ गुड. अगर 150 रुपीज़ चार्ज करके सेफ्टी का पूरा इंश्योर करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं वहाँ पे कैमरा लेके नहीं जाऊँगी क्योंकि मैं खुद को नहीं संभाल पाती हूँ सिचुएशन में. दीपांजन तो जाएगा ही नहीं, वो बाहर ही रहेगा कार में. मैं जाऊँगी अंदर बट कैमरा लेके नहीं जाऊँगी क्योंकि मैं इतने सारी चीज़ संभाल नहीं पाऊँगी. फ़ोन में थोड़ा बहुत शूट कर सकती हूँ तो ज़रूर करूँगी बट वापस आके आपको ज़रूर बताऊँगी कि एक्चुअल में उन्होंने जो भी प्रिकॉशंस लिया वो मुझे कैसा लगा. तो चलिए, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, थोड़ा डर भी लग रहा है बट जाके देखते. घर से ना निकल के ऐसा हो गया है ना, खुद को कहीं पे भी एक्सपोज करने में थोड़ा डर तो अभी लगता है. बट ठीक है, चलो चलते हैं आज वॉर पे, देखते हैं क्या होता है. वापस आके सब शेयर करते हैं. How's it? Absolutely amazing. Wow. You won't believe how much precaution they are taking. Okay. Talk about it. Oh, finally अच्छा लग रहा है. Finally मैं खुद को इंसान लग रही हूँ. तो इतना मैं satisfied हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ. मेरे एक भी चीज़, मतलब एक thread भी कहीं पे touch नहीं हुआ है. अंदर जाने से पहले ही थर्मल स्कैनिंग, डोर भी वो लोग ओपन करके दे रहे हैं और घुसते ही सबसे पहले आपको आपके पैर में जूते को स्प्रे सैनिटाइजर से, हाथ में सैनिटाइजर दे रहे हैं. उसके बाद फुल पीपी किट, मतलब लग रहा था मैं कोई रेडिएशन जोन में घुस रही हूँ. एकदम सर में कैप से शुरू करके मास्क, मेरा ये मास्क खोल के उन लोगों ने एक बैग दिया था मैं उसमें रख दी थी, फिर ग्लव्स,
वो भी वो लोग टच नहीं कर रहे, आपको उठा के लेना पड़ेगा डिस्पोजेबल ग्लव्स, मास्क और पूरा पीपीई किट, मतलब पैर तक शू कवर भी वो लोग दे रहे हैं डिस्पोजेबल, जो पहनना पड़ेगा अंदर जब तक आप रहोगे, सब कुछ पहन के रहना पड़ेगा। सिर्फ जब अपर लिप किया तो मास्क को थोड़ा सा नीचे करके करना पड़ा था, बट जो ब्यूटिशियन थे वो फुल पीपीई किट में थे और ग्लव्स पहन के ही पूरा काम किया। और मैं वहाँ पे थी, उसके अंदर भी मैं देख रही थी, बार बार एम्प्लॉयज का भी टेम्परेचर वो लोग चेक कर रहे थे। पार्लर का सेटअप ही ऐसा है जो थोड़ा कन्वीनियंट है, छोटे छोटे रूम्स है, तो अब क्या कर रहे हैं जब कस्टमर्स कम है तो हर एक को अलग अलग रूम में सर्विस दे रहे हैं। मैंने देखा दो तीन और कस्टमर्स है तो देख के थोड़ा दिल को वो पहुंचा कि मैं अकेली नहीं हूँ, सुकून पहुंचा कि मैं अकेली नहीं हूँ। और सब कुछ बहुत अच्छा था, नो कॉन्टेक्ट पॉलिसी वहाँ पे, गूगल पे वो सब भी है, बट मेरा थोड़ा मोबाइल बैंकिंग से पैसा निकल गया था बीच में, तो वो सब ब्लॉक थे। क्या नहीं नहीं मैं ग्लव्स पहनी हुई थी ना, यही थी थी जब मैं वहाँ पे पिन विन सब कुछ दी। एक्चुअली मैं डेबिट का पिन भूल गई थी, पता है, पेमेंट ना कर कर के ऐसी हालत है। उसके लिए भी वही बकड़ा मिला ना, बकड़े को कॉल, तुमने गलत बोला, मैंने भी गलत बोला, इसने जो बोला वो मेरा पुराना पिन था, वो नहीं था, फिर मैं वो डाली, बोल रहे रॉन्ग पिन। तो पिन क्या है फिर, बता दी स्टूपिड। तो चलो अब आ गई हूँ घर, पहुंच गई हूँ घर, जाके देखते हैं। आज फ्लरी कियारा बहुत सैड थी, हम निकल रहे थे तो वो बहुत सैड हो गई थी। अब जाके देखते क्या कहते हैं। हमारे सिक्योरिटी भैया को भी सबको पूरा फेस शील्ड दे दिया है, क्योंकि अभी बैंगलोर का हालत ही ऐसा है। कौन से बेबी ने चप्पल इधर लाया? हाँ, कौन से बेबी ने लाया? इन दोनों में से कौन है वो? चप्पल यहाँ पे कौन लाया? मम्मा का चप्पल कौन लाया? कौन लाया? कौन लाया? इतनी खुशी है क्यों? इतनी खुशी है तुम्हें? मेरा चप्पल इधर है, देखा ही नहीं? हाँ। मेरा चप्पल इधर, तुम्हारा चप्पल इधर, एक एक करके लेके गए हैं। नहाने, तुम जा रही हो नहाने? नहाने जाओ, जाओ जाओ जाओ। क्यों क्यों? लीव मम्मा अलोन। क्यों? हाँ, गुड गर्ल, गुड गर्ल। ओके, वेट 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 वेट। वापस आके नहा धोके फाइनली विच माय बेबूज। उनको बहुत बुरा लगता है, घर आके अगर इनसे प्यार ना करके आप चले जाओ ना, तो दोनों बहुत सैड हो जाते हैं। क्यों क्यों फ्लड़ू फ्लड़ू? मेरा लिपस्टिक नहीं गया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लिपस्टिक का क्वालिटी बहुत अच्छा है या फेस वॉश बहुत ख़राब है, क्योंकि मैं घिस घिस के वॉश कर गई हूँ, अभी देख रही हूँ पूरा नहीं गया है। एनीवेज अभी करेंगे लंच, टाइम इज़ 12:30, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, जल्दी ही काम हो गया। एंड मैं नहा के बाहर आके सुन रही हूँ कि मैं वो डोर क्लोज करके नहाने गई थी बेडरूम का, तो कियारा वहीं पर ही बैठी थी, कहीं नहीं हिली थी वो। ये जो सेल्फलेस लव है ये सिर्फ इन दोनों से ही मिलता है। पेट पेरेंट्स हु आर वॉचिंग दिस वीडियो दे विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो सैटरडे व्लॉग स्टार्ट की थी बट उसके बाद मैंने और कंटिन्यू नहीं किया आफ्टरनून के बाद, डायरेक्टली आपको मिल रही हूँ संडे सुबह सुबह। और रात के बारिश के बाद सुबह का आसमान एकदम क्लीन हो गया है, धीमे धीमे धूप निकला है। आज आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फो शेयर करूँगी कुछ पेट प्रोडक्ट्स के बारे में, जिसको लेके बहुत सारे सवाल आ रहे थे। और आज शायद फ्लरी कियारा का घर पे ग्रूमिंग भी करना है, उनको नहलाना भी है, क्योंकि संडे इज़ देयर शार्ट डे। फिलहाल मैं चलती हूँ, सुबह की चाय पीती हूँ, क्योंकि जैसे मैं बताती हूँ चाय ना पियो तो दिन शुरू नहीं होता है। और उसके साथ देखती हूँ आज क्या ब्रेकफास्ट खाते हैं, आज कुछ सिंपल ही बना लूँगी। गुड मॉर्निंग बेबीज। कियारा ने सुबह का खाना नहीं खाया है, फ्लरी ने फिनिश कर लिया है। क्यों के खावे के खावे? क्यों? कियारा ने पूरा खाना छोड़ दिया है। चलो के खावे, चलो चलो पीजियन को दे देते हैं, पीजियन को कियारा का खाना दे देते हैं। दे दो बा, आज उसका बिल्कुल एक्साइटमेंट नहीं है खाने के लिए। खाबे, चलो ऐशो शीघ्र ऐशो खेना, गुड गर्ल खेना।
were walking on the sidewalk when we bumped into this person that I knew. कल मैंने कहा था कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी मैंने कौन कौन सा हेयर केयर प्रोडक्ट्स लिया है. दिस इज द शैम्पू जो मैं बहुत महीनों से यूज़ कर रही थी. जब से एक्चुअली मैं बालों में कलर करवाती हूँ तब से ही मैं ये शैम्पू वो सलोन में रिकमेंड किया था तो वहीं से यूज़ करती हूँ. दिस इज़ द लॉरियल सीरीज एक्सपर्ट विटामिनो कलर शैम्पू और इसके साथ एक विटामिनो कलर का मास्क भी आता है जो कल अवेलेबल नहीं था इसलिए दे रिकमेंडेड दिस वन. ये मैं पहली बार कल यूज़ की हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगा है. दिस वन इज सल्फेट एंड पैराबिन फ्री. नाम है INOA कलर केयर मास्क. मैं बीच में दो तीन शैम्पू मैंने ट्राई किया दो तीन हेयर मास्क भी मैंने ट्राई किया अच्छा सोच के किया अच्छा रिव्यू पढ़ के किया बट नथिंग वर्क एट ऑल. मेरे हेयर फॉल एक इंच भी कम नहीं हुआ ख़त्म करके. फिर मुझे लगा मैं इसी में वापस जाती हूँ. जब से मैंने दूसरे शैम्पू यूज़ किया है ये ना मिलने पे मेरे कलर ये लास्ट कुछ तीन चार महीनों में ना रेड से पूरा ब्राउन हो गया है. एक्चुअली ये रेड था जो मैं दुर्गा पूजा के टाइम करवाई थी. कुछ कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट्स मिला है. एक उन्होंने दिया है ये सैनिटाइजर मुझे अच्छा लगा और एक ये किट दिया है. तो ये था कल का मेरा प्रोडक्ट परचेज. ये मैं बस अभी एक ही बार यूज़ की हूँ कल जितना दिन यूज़ करूँगी. बट हाँ मैं आज सुबह उठ के अपने पिलो में कम बाल देखी हूँ जितना मैं रेगुलरली देखती हूँ उससे कम बाल मैंने आज पिलो कवर पर देखा है विच इज़ अ गुड साइन. तो सुबह आपसे बात हुआ था और अभी टाइम हो गया है 1:15 को मैं फिर से बात कर रही हूँ. दीपांजन अभी दोनों को ग्रूमिंग करके फ्लरी और कियारा को फिर नहलाएंगे. और अगर आपको जानना है कि हम घर पे कैसे ग्रूमिंग करते हैं हेयर कटिंग करते हैं हेयर ट्रिमिंग करते हैं तो उसका एक डिटेल्ड वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी. डेली हाइजीन ग्रूमिंग हर एक टॉपिक पे वीडियो मेरे चैनल पे है एक से ज़्यादा ही है तो आप देख सकते हो उस वीडियो को. होपफुली वो आपके काम आएगा. आज फ्लरी और कियारा साथ में ही शावर लेगी दोनों का पहले पूरा ट्रिमिंग होगा फिर दोनों को साथ में नहलाएंगे. तो मुझे लगा कि वो दो घंटे का यूटिलाइजेशन करते बहुत दिन से लग रहा था कि मैं फ्रिज क्लीन करूं तो मैंने वो फाइनली कर लिया है. दिखाती हूँ आपको. तो ये है फिलहाल मेरा फ्रिज एकदम झकाझक. खुद को ही फ्रिज खोलने में कितना अच्छा लग रहा है. ऐसा नहीं कि गंदा बहुत हुआ था मुझे बहुत घिसना पड़ा ऐसा कुछ नहीं बट द प्रॉब्लम इज ये जो ट्रेज है ग्लास का ये बहुत हैवी है तो इसको बाहर निकाल के धोने में बहुत मेहनत लगती है. बच्चों से मिले हुए बहुत टाइम हो गया है. चलिए थोड़ा देखते क्या कर रहे हैं दोनों. फ्लरी को हेयर ट्रिमिंग करके बहुत अच्छा लगता है. फ्लरी बहुत नीट एंड क्लीन रहना पसंद करती है. कियारा एग्जैक्ट ऑपोजिट. तो ये जो आंखों के कॉर्नर्स है और हेयर अराउंड आईज ये क्लीन करना बहुत ज़रूरी है नहीं तो इससे आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है ये अंदर जाए तो. थोड़ा आराम से करना पड़ेगा थोड़ा ट्रिकी है बहुत केयरफुली धीरे धीरे करना पड़ेगा जो कि दीपांजन ने बहुत अच्छे से किया है. अच्छा दीपांजन को आज काफ़ी टाइम और लग जाएगा तो मुझे लगा क्यों ना आज उसका थोड़ा बहुत कम मैं कर दूँ. आज हमने ऑर्डर किया था फिश एंड मीट उसको मैं जनरली नहीं करती हूँ दीपांजन ही साफ करके घर के बॉल में रख के वो रखता है बट आज मैं कर देती हूँ नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा. पे फ्रेश टू होम का सर्विस बंद है क्योंकि फ्रेश टू होम जहाँ से सोर्स करते हैं फिश या नॉन वेज वो फिलहाल वहाँ पे सील्ड है वो जगह. तो टुडे वी ऑर्डर फ्रॉम थ्रू डांजो माई चिकन एंड मोर. बहुत अच्छा वैरायटी तो नहीं मिला बट जो मिला उससे हमारा काम चल जाएगा. और एक डिसएडवांटेज है कि माई चिकन एंड मोर में हर एक चीज़ हमको एक एक केजी का ऑर्डर करना पड़ा मतलब वी कुडंट ऑर्डर 500 ग्राम्स ऑफ एनीथिंग. एक केजी का कुछ भी आप ऑर्डर करो वो ज़्यादा ही होता है इसलिए हमने वैरायटी कम ऑर्डर किया है.
क्वांटिटी ज़्यादा है इसलिए। तो ये क्लीन कर लिया है मैंने, दिस इज़ मटन, बट हमने दिया था मटन करी कट। मटन के पीसेस देख के लग रहा है कि कोई चिली मटन बनाएगा इससे। ये है तिलापिया फिश, ये है पारशे, जैसे मैं बोल रही थी 1 kg करके लेना पड़ा, तो ये काफ़ी ज़्यादा आ गया है, मुझे दोनों बॉक्सेस में रखना पड़ा। और ये है कातला, इसका भी हमने दिया था बंगाली कट। और ये है एक एक पीसेस, मुझे बहुत गुस्सा आता है ऐसे पीसेस देखने में भी और बनाने में भी। ये है पॉम्फ्रेट, ये होल आया था, इसको मैंने पीसेस कर लिया है। ये चिकन, ये तो मतलब गजब है, ऐसे करी कट कौन, ये क्या पीस है, ये ऐसे एक एक पीसेस दिया है। सिर्फ 2 leg piece है जो ठीक ठाक है, बाकी के सारे पीसेस चिकन के पीसेस देख के मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि बनाने के बाद इसमें रहेगा क्या। फाइनली दिस 2 आर डन। कियारा बहुत बदमाशी कर रही है, मम्मा फ्लरी का भी हो गया नए नए एंड हेयर कट। कियारा दिखाओ अपना हेयर कट, दिखाओ सबको बदमाश। आज पूरा 4 घंटा लगा है ट्रिमिंग और नहाना, उसके बाद इनको ड्राई करना सब मिला के, तो चलो हो गया, टाइम हो रहे हैं 3:25। इसके बाद हम फटाफट नहा लेंगे क्योंकि बहुत देर हो गया है, एंड दीज टू हैव ऑल्सो बिकम रेस्टलेस नाउ, क्योंकि इतने टाइम से इनको आदत नहीं है वो कहीं पे एक जगह पे बैठ के कुछ करने का, स्पेशली इसको एकदम बंदरों की तरह कूद रहे हैं, यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ, पागल कर दिया वो निकलने के बाद। उसको ड्राई करने में आज मेरी तेल निकल गई, इतना बदमाशी कर रही थी। साफ लरी आ गई है अपना गंदा खिलौना लेके, गंदा सा टॉय लेके, हाँ बहुत खुश है। एंड लुक एट दिस वन, क्यों दूसरा लेके आओ, इतना सारा है, हाँ एकदम ठीक है, और बदमाश बन गई है। दूसरा वाला लेके आओ, वहाँ पे इतने सारे है, हाँ शाबाश। अभी बॉडी हल्का हो गया है ना, लाइट वेट बॉडी हो गया है, तो कूदना आसान है। हाँ जल खाओ। हेलो एंड गुड इवनिंग, क्यों सबको एक बार गुड इवनिंग बोल दो तो, हाँ क्योंकि इतना नीनी आ गया था ना कि मामा शूट नहीं कर पाई कि क्यों काम नीनी से उठेगी, क्योंकि आज बहुत नीनी आ गया। मामा कहाँ मामा? फ्लरी भी अच्छे से सो के अभी एकदम फ्रेश होके आई है, दोनों ने एकदम जम के 3-4 घंटे सो के फ्रेश हो गए हैं। तो अभी जिस चीज़ के लिए मैं बैठी हूँ आप लोगों से बात करने, वो है आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है कि दीदी ये जो आपने कंडीशनर लिया है नया, इसका रिव्यू हमें बताइए। तो सबसे पहले मैं दिखा दूँ, ये हम यहाँ तक यूज़ कर चुके हैं और उसके बाद ही आपके साथ इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो है नहीं। तो इफ़ इन वन वर्ड आई एक्सप्लेन दिस कंडीशनर, देन इट इज़ एक्सेलेंट। अगर आई लव डॉग्स का कोई भी इंडियन ब्रांड का रिप्लेसमेंट मैं किसी को रिकमेंड कभी करूँगी तो वो है ये पेटवेरा। आई लव डॉग का जो कंडीशनर है वो आपको पता है, मैं जो एकदम चैनल शुरू करने के कुछ दिन बाद एक फ्लरी के शार एसेंशियल का एक वीडियो बनाई थी, वहाँ पे हम यूज़ करते थे, वो हम कंटिन्यूअसली इतने सालों से यूज़ कर रहे हैं। और उसके भी पहले 2 साल हम फ्लरी, मतलब जब 6 महीने की थी तब से हम वो कंडीशनर यूज़ कर रहे हैं। शी इज़ नाउ 5.5 years old। अभी जाके हमें कुछ ऐसा मिला है जो एक्चुअल मीनिंग में उसका रिप्लेसमेंट है। इसके बीच में भी कभी कभार हमने दुकान से दूसरे कंडीशनर्स की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्टेड होके लिया है, क्योंकि पैकेजिंग बहुत सुंदर होता है। कभी कभी शॉपकीपर्स ने बोला है कि ये एकदम स्पा इफेक्ट देगा, ये हम हमारे स्पा में यूज़ करते हैं शिज़ूज लासा एप्सोस के ऊपर, तो प्लीज़ ट्राई कीजिए। बट सच्ची बताओ, हमने एक भी फाइल ख़त्म नहीं किया है, राइट? एक भी ऐसा कंडीशनर नहीं था जो हम कंटिन्यूअसली यूज़ कर सके। किसी का स्मेल बहुत अच्छा था, लॉन्ग लास्टिंग था, बट इफेक्ट उतना अच्छा नहीं था, हेयरफॉल होता था, रफ हो जाता था। बट ये यूज़ करके हम बहुत सेटिस्फाइड है। एक तो इसका जो कंसिस्टेंसी है दैट इज़ वेरी वेरी थिक, जैसा कंडीशनर का कंसिस्टेंसी होना चाहिए, स्पेशली व्हेन यू यूज़ इट ऑन अ डबल कोटेड डॉग।
उसके लिए मैं इसको 100 out of 100 दूंगी। इतना थिक है और बहुत कम लगता है क्वांटिटी। हमारा यहाँ तक खत्म हो गया है दोनों को 4 to 5 times शावर देने के बाद, राइट? इसका इफेक्ट मिलने के लिए यू हैव टू यूज गुड अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि नहीं तो फिर उसका इफेक्ट आपको समझेगा नहीं। तो थोड़ा अच्छे से डालिएगा ताकि उनको भी उनके कोट एकदम मुलायम हो जाए। या वो भी है कि अगर कोट लेंथ बहुत ज्यादा है तो आपको ऑब्वियसली अच्छे से कवर करके देना पड़ेगा। और ये लगाने के बाद दीपांजन 1 to 2 minutes वेट करता है, राइट? तो 1 to 2 minutes उसको बॉडी दीपांजन ही नहलाता है एक्चुअली, इसलिए मैं उसको पूछ पूछ के बता रही हूँ। तो और एक भी चीज़ है कि गुड शैम्पू यूज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर टिक्स या फ्लीस का प्रॉब्लम है तो मेडिकेटेड जो शैम्पू है वो कोट को बहुत रफ बना देता है। तो अगर टिक्स के प्रॉब्लम चला गया है तो प्लीज़ वो शैम्पू का यूज़ बंद कर दीजिए। नॉर्मल शैम्पू यूज़ कीजिए जो उसको ऐसे रेगुलर बेसिस पे हाइजीनिक और कोट को सॉफ्ट रखेगा। और मेडिकेटेड शैम्पू अगर आपको यूज़ करना है, क्योंकि मानसून के सीज़न में टिक्स और फ्लीस का प्रॉब्लम कभी भी वापस आता है, तो वीक में एक बार या 15 दिन में एक बार वो यूज़ कीजिए। बट बाकी के टाइम एक अच्छे शैम्पू के साथ ये यूज़ कीजिए। हम जैसे WHL का 4-in-1 शैम्पू जो यूज़ करते हैं उसके साथ ये कंडीशनर यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। मैं तो इसको ही यूज़ करूँगी अभी, क्योंकि प्राइस कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा रीजनेबल है। आई लव डॉग्स का 500 ml कॉस्ट अस अराउंड 1400 rupees, जहाँ पे इसका जो मैं बताई थी 425 ओनली। और ये बहुत ईजिली अवेलेबल है क्योंकि इंडियन ब्रांड है, इंडिया में मैनुफैक्चरिंग यूनिट है इसका, तो बहुत ईजिली अमेजोन में ये मिल जाएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जब आप पूछ रहे हो तो अगर आप सोच रहे हो अच्छा कंडीशनर लेने के लिए, गो फॉर इट। अगर आप यूज़ ऑलरेडी कर रहे हो पेटवेदा का कंडीशनर, या आप अगर पेटवेदा का और कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो उसके बारे में हमें ज़रूर बताना, हम भी ट्राई करेंगे उसको। और ये वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा। अगर लगा है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करना है। सो टेक केयर गाइज, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय।